अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी से सब अच्छी तरह से वाकिफ है और इसी बीच बड़ी खबर ये है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर तजाकिस्तान चले गए हैं। इसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में उनकी आलोचना हो रही है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस कदम को लेकर सफाई भी दी है। इस घटना के कुछ घंटों के बाद तालिबान ने काबुल स्थित राष्ट्रपति निवास को भी अपने कब्जे में ले लिया है। राष्ट्रपति गनी ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया कि उन्होंने ये कदम रक्तपात से बचने के लिए उठाया है। उन्होंने लिखा कि उनके लिए ये कदम उठाना बहुत मुश्किल है। इसमें उन्होंने आगे लिखा कि तालिबान के आने के बाद लाखों नागरिकों की सुरक्षा दांव पर लगी है और अब तक चले युद्ध में हजारों बेगुनाह मारे जा चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति के इस कदम की काफी आलोचना हो रही है। दरअसल देश के पूर्व सांसद सदस्य जमील करजई ने राष्ट्रपति गनी पर देश के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के मौजूदा हालातों के लिए वही जिम्मेदार है, इसके लिए लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आपको यहाँ यह भी बता दें कि राष्ट्रपति गनी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि अब उनके इस पद पर बने रहने के मायने खत्म हो चुके हैं। आपको यह भी बताते चले कि जमील करजई राष्ट्रपति गनी के चचेरे भाई हैं। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।